नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे टाइम रेंज ब्रेकआउट सिस्टम के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टाइम रेंज ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके किस तरीके से कर सकते हो। जो यूज़र्स नहीं जानते टाइम रेंज ब्रेकआउट क्या होता है, उनको भी मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा और बताऊंगा किस तरीके से टाइम रेंज ब्रेकआउट काम करता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है। और हमारे चैनल पे हम लोग और एल्गो ट्रेडिंग और रोबो ट्रेडिंग के बारे में ही ज़्यादातर वीडियोज़ डालते हैं और आपको जानकारी देते हैं किस तरीके से आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइम रेंज ब्रेकआउट क्या होता है। जिन व्यूअर्स को पता है वो वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि टाइम रेंज ब्रेकआउट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के रेंज में जो भी हाई या लो प्लॉट हुआ है उसका हाई या लो ब्रेक होने के बाद ट्रेड करना। यानी कि अगर एग्जाम्पल के लिए आपने 9:15 से 9:30 का टाइम सेट किया कि 15 मिनट में मार्केट का जो भी हाई या लो लगेगा, और हाई के ऊपर मैं बाई करूंगा और लो के नीचे सेल करूंगा, इस तरीके की स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं टाइम रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। बेसिकली ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई कैंडल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करो, चाहे आप 1 मिनट करो, 5 मिनट करो, 15 मिनट करो, 30 मिनट करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी होती है वो आपका सिर्फ हाई और लो कंसिडर करती है। उसमें जब भी वो ब्रेक होता है तो ट्रेड हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी कैंडल के टाइम फ्रेम का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप कैंडल के टाइम फ्रेम से भी करना चाहें तो भी आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि जब ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल क्लोज होती है तो उसके बाद ट्रेड होता है, लेकिन ऐसा करने से कई बार एक अच्छा खासा मूव जो हमें वन साइडेड ट्रेडिंग में मिलने को होता है, जिसमें कि मान लो ब्रेकआउट आने के बाद तुरंत एकदम से मार्केट ऊपर या नीचे जाती है, तो वो चीज़ मिस हो जाती है। क्योंकि अब 5 मिनट का मान लो आप कैंडल रख रहे हो और ब्रेकआउट हो गया 2 मिनट पे ही, और 3 मिनट तक मार्केट मूव करते रहे हो, मान लो 3 मिनट में 150 पॉइंट ऊपर चलेगी, तो वो सब मिस आपका हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका जो ट्रेड होगा वो उस कैंडल के क्लोजिंग पे होगा जो कि 3-4 मिनट बाद क्लोज होने वाली है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी समस्याएं ट्रेडर्स को फेस होती हैं। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी हमने जो रिसेंटली किया है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि काफ़ी टाइम हो गया हमको वीडियो बनाए, 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। उसके पीछे का रीजन यही है कि हम लोग कुछ और प्रिपरेशन, कुछ और प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरीके से हम आपकी ट्रेडिंग को और ज्यादा इजी और इफेक्टिव बना सकें। अभी क्या पिछले महीने में MT4 का बहुत सारा पंगा चला कि जो भी MT4 प्रोवाइडर्स थे, जो डेटा फीड प्रोवाइड कर रहे थे, उनका काफी आपस में डिस्प्यूट चला, और कई बार किसी प्लेटफॉर्म पे मतलब कि प्रोवाइडर्स का बंद रहा कुछ दिन MT4, और उसकी वजह से काफी सारी समस्याएं भी आई। तो हमको लगा कि क्यों ना MT4 और ट्रेडिंग व्यू, इस तरीके के चार्टिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको इससे दूर रखा जाए, क्यों इसको हटा दिया जाए। क्योंकि डिपेंडेंसी की वजह से क्या होता है कि कई बार ट्रेडिंग व्यू पे, आप जैसे अगर मैं ट्रेडिंग व्यू की बात करूँ तो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे अगर आप स्ट्रेटजी यूज करते हो, टाइम रेंज ब्रेकआउट लगाते हो या बनवाते हो, तो पहले तो आपको स्ट्रेटजी बनाने के पैसे देने होंगे, और उसके बाद 1500 रुपये के आसपास हर महीने का ट्रेडिंग व्यू का खर्चा है जो आपको पे करना ही है। वहीं अगर आप MT4 की बात करो तो MT4 का भी 500 से 1000 रुपये के बीच का खर्चा आता है जो कि आपको देना ही होता है अगर आप यूज करते हो। लेकिन अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आएंगे तो आपको ये सब चीज़ों की परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप आसानी से ये सब चीज़ें कर पाएंगे, और साथ ही साथ वो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल भी रहेगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा प्लेटफॉर्म काम करता है। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है एल्गो ब्रिज। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर सर्च करेंगे, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना होगा एल्गो ब्रिज। जब आप एल्गो ब्रिज लिखेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट हमारी आएगी www.algobridge.in। आप एल्गो ब्रिज डॉट इन पर ही जाएं, ठीक है। जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको साइन अप और साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, आप अपना नया अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो जब आप अपना नया अकाउंट ओपन करते हो तो आपको हमारी तरफ से कुछ फ्रीबीज दिए जाते हैं, कुछ फ्री ट्रायल्स दिए जाते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं आपको लॉग इन करके आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। अभी जब हम लॉग इन करते हैं तो ये जो अकाउंट आप अभी देख रहे हैं ये है मास्टर अकाउंट।
अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा मास्टर अकाउंट क्या होता है। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे दो अलग अलग तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है मास्टर अकाउंट और एक होता है यूजर अकाउंट। अगर आप मास्टर अकाउंट होल्ड करते हैं तो आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि आपके जो ट्रेड्स हैं वो आपके मल्टीपल अकाउंट्स में भेज सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अपने अपने रिश्तेदारों के 5-10 अकाउंट हैं और आप चाहते हैं कि सब में एक जैसा ट्रेड जाए, सब में एक जैसे टाइम पर ट्रेड जाए, तो वो चीज़ आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आसानी से कर सकते हो। साथ ही साथ मल्टीपल ब्रोकर्स में कर सकते हो, ऐसे नहीं कि एक ही ब्रोकर में करना है आपने, अलग अलग ब्रोकर्स के अगर आपके पास अकाउंट है तो भी आप कर सकते हो। हमारे प्लेटफॉर्म पे 10 से ज़्यादा अलग अलग ब्रोकर्स जो लिस्टेड हैं, तो उनमें से किसी पे भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है मास्टर अकाउंट काम करता है। मास्टर अकाउंट में आप मल्टीपल यूजर्स जोड़ सकते हो, आप 100 से ज़्यादा यूजर्स भी जोड़ सकते हो और उन सबका ट्रेड विद इन अ सेकेंड चला जाएगा, तो ज़्यादा कुछ डिले होता नहीं है इसमें, आराम से ट्रेड चला जाता है। और यूजर का जो अकाउंट है उसमें ये होता है कि यूजर जो होते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ अपना ब्रोकर लिंक करके हमारे यूआई को यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर बटन दबा के चार्ट वगैरह देख सकते हैं, और साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन चेन भी आता है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो यूजर अकाउंट खोलने के बाद उनको कोई पैसे पे नहीं करना होता है ये सब चीज अवेल करने के लिए, अगर वो अपना ब्रोकर यहाँ पे लिंक कर देते हैं तो। अगर वो खुद से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से वो खुद की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन में मल्टीपल बल्क ऑर्डर्स डालने हैं तो बल्क ऑर्डर्स डाल सकते हैं, ऑप्शन चेन को देख के ट्रेडिंग करना चाहे तो उसको चेन को देख के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस तरीके से फंक्शंस उसको मिल जाते हैं। यहाँ पर मार्केट वॉच का ऑप्शन है जिसमें कि आप अलग अलग सिंबल्स क्रिएट कर सकते हो, उनके चार्ट देख सकते हो, इंडिकेटर्स देख सकते हो। तो थोड़ा सा हमने ब्रोकर फ्रेंडली बनाया है इसको कि जैसे ब्रोकर का प्लेटफॉर्म दिखता है उसी तरीके से आपको ये प्लेटफॉर्म दिखेगा। तो ये था मास्टर अकाउंट। और यूजर अकाउंट में मैंने आपको बताया कि यूजर अगर आते हैं तो उनको कोई पेमेंट नहीं करना होता। अगर वो हमारी कुछ सर्विसेज यूज करते हैं, जैसे कि ब्रिज टूल यूज करते हैं या फिर हमारी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, तो ही उनको पेमेंट करना होता है। अदरवाइज अगर हम मैनुअल ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो उसमें कोई आपको किसी तरीके का कोई चार्ज पे नहीं करना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको स्ट्रेटजीज दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर स्ट्रेटजीज के टैब में आपको आर स्ट्रेटजीज दिख रहा है। आर स्ट्रेटजीज में अभी हमारे पास चार अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जो हमने डेवलप की हैं। ठीक है, आगे आगे हम और भी करेंगे। तो आज पहला जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो टाइम रेंज ब्रेकआउट पर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कस्टमाइज स्ट्रेटजी का एक पेन आता है। कस्टमाइज स्ट्रेटजी पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके की एक विंडोज खुलती है जिसमें आपको कार्ड्स दिखाई देते हैं जो कि आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसके बारे में। जैसे मैंने अभी जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें मैंने 10:55 के से लेके 10:56 के बीच का गैप लिया और मैंने देखा कि उस बीच में जो भी ट्रेड्स बनेंगे वो हमको करने हैं ऊपर और नीचे के। तो इसमें सिर्फ 4 पॉइंट का डिस्टेंस आया, तो 4 पॉइंट के आसपास के डिस्टेंस पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें सिग्नल ट्रेड बुक में देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा किस तरीके से ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर सिग्नल जा रहे हैं, सक्सेस और उसका ऑर्डर आईडी वगैरह सब मिल रहा है। तो ये यहाँ पर डिटेल है कि ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से गया, उसके बाद उस सिग्नल की पूरी डिटेल्स यहाँ पर मिलती है कि कितने पे एंट्री हुआ, कितना स्टॉप लॉस था, कितना टारगेट था। और ये आप देख रहे हो जिसमें दिखा रहा है कि 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 10 पॉइंट का प्रॉफिट, क्योंकि हमने बहुत छोटा प्रॉफिट लगाया था, 10 पॉइंट के प्रॉफिट लगाए, तो जितनी बार भी इसने ट्रेड किया उतनी बार इसने प्रॉफिट दिया। इस तरीके से 10 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है और लॉस के केस में देख सकते हैं आप 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जो जहाँ तक भी अपना लॉस का सिस्टम है वो उस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप सारी ट्रेड्स को देख सकते हैं। अभी मान लीजिए आपको अपना स्ट्रेटजी डिप्लॉय करना है टाइम रेंज ब्रेकआउट का, तो किस तरीके से करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको कस्टमाइज स्ट्रेटजी में जाना है। तो सबसे पहले मैं ये सारा बंद कर देता हूँ जो भी मेरा मैंने अभी चला रखा है, और फिर मैं आपको रियल ट्रेड्स करके दिखाऊंगा किस तरीके से मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पर मैंने ऑथेंटिकेशन में अपना ब्रोकर लिंक कर लिया है। आपको भी अपना ब्रोकर यहाँ पर आके लिंक करना है सबसे पहले, क्योंकि जब तक आप ब्रोकर लिंक नहीं करेंगे तो ट्रेड नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्रोकर लिंक किया हुआ है, अपना आईडी पासवर्ड टीओटीपी डाल के सबमिट किया, उसके बाद जनरेट टोकन किया और वैलिडेट पे क्लिक किया तो वैलिडेट के बारे में टोकन वैलिड बता रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर स्ट्रेटजीज में। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि कस्टमाइज स्ट्रेटजी में जाके हमें क्रिएट करना होगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास सारी हिस्ट्री बची हुई है वहाँ पर उनको हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये मैंने क्लियर पे क्लिक किया तो ये सारी हिस्ट्री यहाँ से क्लियर हो गई। उस तरीके से यहाँ पर आप सिग्नल्स वाली हिस्ट्री में भी जितने भी क्लोज ऑर्डर हैं वो सब यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर एक ऑर्डर बचेगा जो मेरा पहले से चल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ऑर्डर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्रिएट स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्ट्रेटजी में हमें ट्रेड करना है, मान लीजिए टाइम रेंज ब्रेकआउट में ट्रेड करना है। तो अब टाइम रेंज ब्रेकआउट में हमको क्या क्या लगाना होगा, सबसे पहले हमने स्ट्रेटजी सिलेक्ट की, उसके बाद हमें सिंबल सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे, अब चलिए मान लीजिए बैंक निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी गए, बैंक निफ्टी अप्रैल फ्यूचर हमने ये यहाँ रहा।
बैंक निफ्टी अप्रैल फ्यूचर हमने सेलेक्ट कर लिया। टाइम फ्रेम हम 1 मिनट ही रखते हैं ताकि हमें जल्दी से सिग्नल जनरेट हो जाए। यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप में आप देख सकते हैं कैंडल क्लोज और रियल टाइम दोनों दिया है। अगर आप रियल टाइम ब्रेकआउट पर काम करना चाहते हैं तो आप रियल टाइम इसको रखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड हो तो आप कैंडल क्लोज रखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर रियल टाइम रख रहा हूँ। क्वांटिटी में मुझे यहाँ पर 25 रखना है। स्टॉप लॉस जो भी आपको लगाना है आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। यहाँ पर नॉर्मल, ट्रेलिंग और ब्रेक इवन तीनों में आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि जैसे नया कोई हाई बनेगा और उसके बाद हाई माइनस स्टॉप लॉस इज इक्वल टू स्टॉप लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए मैं ब्रेक इवन रखता हूँ। मैंने रखा यहाँ पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट में मैंने यहाँ पर रखा 25 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, री एंट्री अगर मुझे करना है, मतलब एक बार मेरा ऑर्डर लगा और उसका स्टॉप लॉस या टारगेट आ गया और उसके बाद दोबारा से एंट्री आया तो मुझे करना है कि नहीं, ये उसके बारे में है। ठीक है, तो री एंट्री में ऑन कर देता हूँ। स्क्वायर ऑफ टाइम मैंने 3 बजे का डाला है, आप चाहें तो अलग अलग करके डाल सकते हैं। उसके बाद यह है रेंज स्टार्ट और रेंज एंड, कितने बजे से कितने बजे तक करना है। तो जैसे अभी बज रहे हैं 2:17 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे करूंगा 2:17 से लेके 2:19 तक। अब ये मैंने इसको सेट कर दिया। तो अब यहाँ पर मेरे कार्ड बन के आ गया, अब इसको कार्ड को स्टार्ट कर देना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लाइव रेट्स दिख रहे हैं, अभी क्या प्राइस चल रहा है और कितने पॉइंट्स अप है और कितने परसेंट अप है, ये सारे डिटेल पैरामीटर्स में हमको दिखा रखा है। 14:17 से लेके 14:19 तक का बीच का टाइम फ्रेम ये सेट करेगा। टाइम फ्रेम हमने 1 मिनट लगाया है। सिग्नल की डिटेल में अभी बता रहा है कि अभी कोई सिग्नल अवेलेबल नहीं है। क्वांटिटी में हमें बता रहा है कि हमने 25 क्वांटिटी रखी है। नीचे बाकी की डिटेल आई है, MIS, रियल टाइम और NFO। यहाँ पर हमने MIS नॉर्मल वाला जो था टैब वो पूछा नहीं आपसे कि आपको NRML करना है MIS करना है। उसका पीछे का रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है और ये इंट्राडे ही काम करती है, तो इसके लिए इसमें नॉर्मल रखने की जरूरत ही नहीं होती। तो इसके लिए हमने आपको इजी करने के लिए वो ऑप्शन डाला नहीं है। तो अभी हमको वेट करना पड़ेगा 2:19 तक। 2:19 जैसे ही होंगे यहाँ पर रेंज आ जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली कि किसके अबव बाय और किसके बिलो सेल होना है, और फिर हम देखेंगे कि प्राइस के उस तक पहुंचने तक बाय सेल हो रहा है नहीं हुआ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रेंज दिखा रहा है, ये बता रहा है कि 742,791 के नीचे सेल होगा और 42,820 के ऊपर बाय होगा। तो अभी आप प्राइस देख सकते हो 42,791 के नीचे ही चल रहा है, तो अपना ट्रेड हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम जाके देखेंगे स्ट्रेटजी ट्रेड हिस्ट्री में, तो हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि एक ट्रेड अब हमारा एंट्री हुआ है 42,785 में। अभी जो प्राइस चल रहा है वो है 42,787.85, क्वांटिटी हमारी 25 लगी है और ये एंट्री का ट्रेड है। इवेंट में एंट्री लिखा है और यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी में लिखा है कौन सी स्ट्रेटजी है, टाइम रेंज ब्रेकआउट। ऑर्डर सक्सेसफुली चला गया। यहाँ पर हम सिग्नल्स की हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो हमें ये बताएगा, ये वाला ट्रेड जो देख सकते हैं आप टाइम रेंज ब्रेकआउट का, और ये एंट्री इतने पे हुआ है, स्टॉप लॉस 800 का है और टारगेट 760 का है। ठीक है, अभी जो लो लगा है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस दिखा रहा है। अगर दोबारा से कोई और लो लगेगा तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस और चेंज होता चला जाएगा और उस हिसाब से हम देखेंगे कि क्या स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, अब आप इस ट्रेड को लास्ट तक देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है। 800 का, 42,800 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर 800 आया, इसने एग्जिट कर दिया 15 पॉइंट का, यहाँ पर स्टॉप लॉस करके एग्जिट कर दिया। अब ये जो बाय की ट्रेड लेगा उसको हम देखेंगे, यहाँ पर अपना बाय का जो लेवल है वो है 820 का। तो जैसे 820 के ऊपर प्राइस जाएगा तो ये बाय करेगा और फिर उसके बाद उस तरीके से ही अपने स्टॉप लॉस या टारगेट्स को मेंटेन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था ये स्ट्रेटजी की। अगर आप चाहते हैं कि रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे काम करना तो आप कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके चार्जेस के बारे में मैं बात करूं तो दोस्तों, हमने इसका एक बड़ा यूनिक सा फंडा रखा है जिसमें कि हम चार्ज जो है वो तब लेते हैं जब यूजर का ट्रेड होता है। यानी कि हम यहाँ पर हमने भी वॉलेट सिस्टम रखा है। ठीक है, स्ट्रेटजी के लिए वॉलेट सिस्टम काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलेट सिस्टम है, इसमें आप ऐड मनी करेंगे। जब भी आप ऐड मनी करेंगे तो ये आपसे कुछ मनी आस्क करेगा, वो आप पेमेंट कर देना है। आप जब पेमेंट कर देंगे तो वो आपके वॉलेट में पेमेंट आ जाएगा, और वॉलेट में पेमेंट आने के बाद ये पेमेंट डिडक्शन होगा आपका। वो किस तरीके से होगा डिडक्शन, वो तब होगा दोस्तों जब आपका ट्रेड लगेगा। यानी कि मान लीजिए आज की डेट में आपको, आपने रेंज ब्रेकआउट लगाया
तो आज अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो जब भी पहला आपका ट्रेड कटे लगेगा यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म से, जैसे ही पहला ट्रेड लगेगा उसके बाद आपके 99 रुपीज का डिडक्शन होगा और फिर वो पूरे दिन के लिए वैलिड रहेगा पूरे दिन। उसके बाद चाहे कितने भी ट्रेड लगे आपका कोई और डिडक्शन नहीं होगा। तो अगर आप एक स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो 99, मान लीजिए आपने दो स्ट्रेटजी तीन स्ट्रेटजी, तो उसके हिसाब से अलग अलग कॉस्ट है वो आपका डेली बेसिस पे कटेगा। मान लीजिए आज आप चाहते हैं ये 99 वाली स्ट्रेटजी पे ट्रेड करना तो आपका सिर्फ 99 कटेगा, कल को मान लीजिए आप चाहते हैं ये वाली स्ट्रेटजी पे ट्रेड नहीं करना दूसरी पे करना है और जिसका कॉस्ट 79 रुपीज है, तो आप उसमें अगर मान लीजिए क्रिएट कर लेंगे और पहला ट्रेड अगर जाता है आपका तो ही आपके कटेंगे। इस केस में क्या होगा दोस्तों, शनिवार संडे या कभी भी जब मार्केट ऑफ होती है या फिर कभी भी जब आप चाहते हो कि आप ट्रेड ना करो, उस बीच में आपका कोई पैसा कटेगा नहीं, 1 रुपया आपका कटेगा नहीं। आपका पैसा तभी कटेगा जब आपका ट्रेड जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और भी है कि जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करेंगे तो डिफॉल्ट आपको 500 रुपीज का वॉलेट बैलेंस भी मिलेगा। आप वॉलेट बैलेंस को यूज कर सकते हैं 6 दिन कम से कम, आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद आप अगर आपको अच्छा लगता है प्लेटफॉर्म और आपको अच्छी लगती है सर्विसेज तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वॉलेट में जा सकते हैं। वॉलेट में जाने के बाद आपको ऐड मनी करना होगा तो ऐड हो जाएगा मनी। और धीरे धीरे हम इस पे अलग अलग और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज लेके आएंगे जिन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके आप इजीली अपनी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर पाएंगे। यहाँ पर टाइम रेंज ब्रेकआउट को यूज करने में इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज यही है दोस्तों कि हमने कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज नहीं किया, ना ही MT4 यूज किया, ना ही हमने ट्रेडिंग भी यूज किया, हमने सीधा ब्रोकर की सॉकेट और ब्रोकर के हिस्ट्री डेटा को ही यूज किया है। जो ब्रोकर मैंने लिंक किया उसी का सॉकेट और उसी का डेटा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इस तरीके से हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिक वे में आपका ऑटोमेटिक ट्रेडिंग आपको करके दे रहे हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। किसी भी तरीके का कोई भी आपको क्वेश्चन क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप हमारे नीचे हुए दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।